हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। इतना आपका नाम? अंकिता शर्मा। वाह यार, भरोसा कर लो तुम। मम्मी बहू अच्छी बनी तो बता देना, शादी करने के लिए तैयार। अंकिता शर्मा, हम तो भैया भी क्या है यार, पता नहीं है। तो चलो, अगर भैया दो चार को लड़की पट गई तो समझ लो क्या नहीं। लड़कियां हैं सब ना, जो मतलब हम जैसे लड़कों को बुरबक बनाया जाता है यार ऐसे। पटना में इतना सुंदर लड़की है यार, विश्वास नहीं हो रहा है। नवरात्र के समय भाई भैया एक औरत अपना पति से देखी क्या कहा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज चलते हैं अपने भाभी से, अरे अपने दोस्त से, मतलब हाँ मेरी दोस्त है यार, शादी हो गया तो भाभी बोलेंगे, अपने दोस्त से मिलवाते हैं। तो चलिए भैया कंकड़ भाग चलते हैं, अभी पटना में है, रेपिडो बुक किए हैं। भैया अभी आया नहीं है, आ रहा होगा। तो चलिए बने रहिए प्यारे से ब्लॉग में, आज इंजॉय करवाते हैं दूसरे से। भाई बड़का बड़का झपरी दिख रहा है ना, आज ही कटने वाला है भैया। तो चलो भैया, भैया फाइनली हम टोला टोला पे मतलब सॉरी मतलब क्या है कि अपने रेपिडो पे बैठ चुके हैं भैया, रेपिडो और हेलमेट पहन लिए हैं। चलिए भैया चलते हैं, बने रहिए हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तो आपका कभी पाला पड़ा है भैया पटना वाले जाम से? देखिए भैया इतना ज्यादा ब्रिज है पटना में, फिर भी जाम 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 का भैया ठिकाना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं है, हम देखिए जाम से भैया गाड़ी चला रहे हैं। बोले तो भैया एकदम गाँव गाँव वाला लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, लग रहा है गाँव मेरा मुझे याद है। बार बार जो है कट जाएगा यार, और ये रहे रेपिडो वाले भैया। हाँ तो भैया फाइनली हम पहुँच चुके हैं यार, मतलब जहाँ आना था। ये रही हमारी दुकान की ओनर। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। इतना आपका नाम? अंकिता शर्मा। वाह यार, भरोसा कर लो तुम। अंकिता शर्मा, हम तो भैया भी क्या है यार, पता नहीं है। तो चलो भैया, भैया थोड़ा सा अभी छपरी जैसा बाल जो है, अब इसको कट करवाते हैं। अरे बबुनी के शहर के लागल बहावा, काटेंगे इधर ही रहे भाई। तो चलिए भैया छपरी जैसा बाल को अब भैया कट करवा रहे हैं। तो भैया देखो, पहली बार भैया से बाल कटवा रहे हैं। अगर भैया दो चार को लड़की पट गई तो समझ लो भैया इन्हीं के पास आना है। गाइस फाइनल लुक मतलब हीरो वाला आ गया यार, हीरो लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं भैया। ये भी बना दीजिए एक नंबर दो नंबर जो करना हो, दाढ़ी भी सेट कर दीजिए, जैसे मन एकदम बना दीजिए। क्या नया लुक देखिए ला रहे हैं भैया। भैया फाइनली बाल एकदम फट गया, हीरो की तरह लग रहे हैं कि नहीं यार, बता देना भाई, सही बोल रहे हैं क्योंकि भैया आज हम मतलब अपने घर से कितना दूर यार, अपने फ्लैट से 7 किलोमीटर दूर आया हूँ भाई बाल कटवाने। बात तो सही है। फिर आप यहाँ का नज़ारा दिखा दे, बहुत प्यारा सैलून है यार, मतलब दिल एकदम खुश हो गया। तो भैया ये रहा नज़ारा, और बता दे आप सबको, इधर देखिए यार लड़कियां हैं सब ना, जो मतलब हम जैसे लड़कों को बुरबक बनाया जाता है यार ऐसे, मतलब लगा लगा के है ना, इधर बेचारी सब लगाने वाली है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता। तो चलिए भैया, तो भैया मिलिए हमारे कैमरामैन से, यहाँ के कैमरामैन। हेलो भाई, इधर आइए आप,
कैमरा मैन फोकस करिए भाई, हमें आज फोकस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। दुनिया में भाई ऐसा प्यार कहाँ। भाई जो वीडियो में चल रहा होगा ना, पहले आप लोग देखे होंगे, भाई नहीं रिकॉर्ड किया है, शूट किया। तो चलो भैया अब चलते हैं घर यार, क्योंकि हो गया रात। और जाते जाते यार इतना खूबसूरत मम्मी जो है अच्छी बनी तो बता देना, शादी करने के लिए तैयार। पटना में इतना सुंदर लड़की है यार, विश्वास नहीं हो रहा है। देख लीजिए पटना के पानी जवानी। भैया चलते हैं बहुत नहीं अपने घर यार, और कुछ नहीं। और उधर देखो यार, सब जगह खाली पटना वाली परी ही दिख रही है। तो चलो भैया, तो गाइस फाइनली हम ऑटो में बहुत बैठ चुके हैं यार, और चलते हैं भैया अपने घर। फ्लैट के यार बाल उल कट गया एकदम जीरो जैसा, अब पट जाएगी। फाइनली गाइज अपने रूम पे हम पहुंच गए हैं, और आज का मेरा प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल से पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव, फिर से मिलते हैं स्टूडियो में। लव यू, बाय।